हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं MT15 की सिटी राइडिंग क्वालिटीज़ के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं अपनी MT को राइड कर रहा हूँ, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे कि सिटी में कैसा इसका परफॉर्मेंस रहता है, उसे बताने के लिए। तो फाइनली आज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए सिटी में राइड कर रहा हूँ। तो अगर बात कर लेते हैं सबसे पहले जो इसके प्लस पॉइंट की जो मुझे सबसे अच्छा लगता है इस बाइक का, वो है फ्रेंड्स इसका हैंडल। इसका हैंडल जो है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट सेट है एकदम, मतलब पूरा ही जो है ये स्ट्रेट है और सिंगल पीस में आता है। किसी भी तरह का अपराइट इसमें आपको हैंडल देखने को नहीं मिलता, मतलब क्लिप ऑन हैंडल बार इसमें आपको नहीं मिलता है, जिसके कारण कि ये मतलब एक कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर आपको ऑफर करता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, सिटी में राइड करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और एक क्वालिटी जो मुझे इसका और अच्छा लगता है वो है फ्रेंड्स इसकी जो गियर रेशियोज़ है, मतलब जब आप सिटी में राइड कर रहे हैं उस टाइम पर इसका जो गियर्स है, जैसे कि काफ़ी टाइम ये होता है कि आप इसे थर्ड गियर में, इवन फोर्थ गियर में भी आप अगर रखते हैं और 25-30 के स्पीड पर भी चलाते हैं, तो आपकी जो नॉकिंग की साउंड है वो एक ज़रा भी नहीं आती है। आपको मैं प्रैक्टिकल अभी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं बाइक जो है वो थर्ड गियर पर है और अभी मैं 16 के स्पीड पर राइड कर रहा हूँ और आपको एक ज़रा भी नॉकिंग का साउंड नहीं आ रहा होगा। तो इसमें क्या है कि आपको मतलब क्लच का यूज़ नहीं करना पड़ता है, कम यूज़ से भी आप अपनी बाइक जो है उसे राइड कर सकते हैं, जिसके कारण कि इसका जो माइलेज है वो अच्छा मिल जाता है। आप देख सकते हैं मैंने क्लच से हाथ हटा रखा है और अभी मैं यहाँ पे 20 के स्पीड पर राइड कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो फ्रेंड्स इसे इजीली थर्ड गियर पे आप क्रूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी सिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और माइलेज जो है फ्रेंड्स वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो काफ़ी अच्छा ये आपको माइलेज भी डिलीवर कर देगा, क्योंकि अगर फ्रेंड्स अगर आप क्लच का कम यूज़ कर रहे हैं तो आपको माइलेज जाहिर बात है कि ज़्यादा ही मिलेगा, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो सिटी में राइड करने के लिए अगर आप इस बाइक को परचेस करने का सोच रहे थे, तो आप इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, तो वो है फ्रेंड्स इसका सिटिंग पोस्चर। इसका जो पोस्चर है वो बिल्कुल ही अपराइट है, अभी आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल ही अपराइट बैठा हुआ हूँ, मेरा हाथ आप देख सकते हैं पूरा सीधा सेट है इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो बैठने में भी किसी तरह का कोई इशू नहीं रहता है, बैक भी जो है वो आपका एकदम स्ट्रेट रहता है। तो आप सिटी में अगर इसे राइड कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा एक बात हो जाता है। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वो रहने वाला है फ्रेंड्स इसका जो इनिशियल पंच है, मतलब जो आपको थ्रॉटल रिस्पांस मिलता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैं थोड़ा पुल करके आपको दिखाता हूँ, मैं थर्ड गियर में ही पुल करूँगा, मैं गियर चेंज नहीं करूँगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स अभी आपने देखा मैंने इसे काफ़ी अच्छा पुल किया, तुरंत ही बाइक जो है वो 50 टच कर लेती है। तो जैसे काफ़ी टाइम पर क्या होता है कि आपको ओवरटेक करने के लिए थोड़ा इनिशियल पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो काफ़ी बाइक्स में क्या होता है कि गियर को डाउन करना पड़ता है, उसके बाद आप गियर को डाउन शिफ्ट मतलब फिर एक्सेलरेट आप ज़्यादा कर पाते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है, अगर आप थर्ड गियर में क्रूज़ भी कर रहे हैं और अगर आपको इनिशियल में पावर की अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप थर्ड गियर में अब मतलब खुद से इसे क्रूज़ कर सकते हैं, मतलब आप जो एक्सेलरेट करेंगे तो बाइक काफ़ी अच्छा पावर आपको डिलीवर कर देगा, तो आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा उसमें, मतलब आप काफ़ी कंफर्टेबली इस बाइक को राइड कर पाएंगे उस टाइम पर भी जब आपको पावर ज़्यादा चाहिए। और ऐसे भी आप देख सकते हैं मैं 15-16 की स्पीड में क्रूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा पॉइंट लगता है, थर्ड गियर में आप इसे कंफर्टेबली चला सकते हैं, पावर भी मिल जाएगा आपको, आप धीरे भी चला सकते हैं, तो जैसे आपका कंफर्टेबल है, मतलब ये काफ़ी बड़ा बात हो जाता है। अगर आप सिटी में ज़्यादा कम्यूटिंग करते हैं तो उस टाइम पर काफ़ी लोगों को गियर चेंज करना पड़ता है, पैर जो है वो बिज़ी रहता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप कंफर्टेबली थर्ड गियर में बाइक को राइड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट बात की, तो वो फ्रेंड्स है इसका ब्रेकिंग की क्वालिटी, मतलब इसका जो फ्रंट ब्रेक का क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब एकदम से आपको जैसा ब्रेक बाइक चाहिए वैसा मिल जाता है। ABS जो है वो इंट्रूड करता है, जो कि मतलब एक तरह से देखा जाए तो अच्छा बात है। और रियर का जो ब्रेक बाइट है वो मुझे थोड़ा सा इसका कम ही लगा, बट जैसे कि आप जानते हैं जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो 70% आपको फ्रंट का ब्रेक यूज़ करना रहता है और 30% आप रियर का यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे क्या है कि ये जो ब्रेक है वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है और ब्रेक बाइट जो है इसका आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो वहाँ पे भी मुझे ये बाइक काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ब्रेकिंग का भी जो क्वालिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो फ्रंट ब्रेक का जो इसका बाइट है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, तो नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है फ्रेंड्स इसका मीटर कंसोल। इसका मीटर कंसोल का जो विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही क्लियरली दिखता है। और स्पेशली फ्रेंड्स अगर आप नाइट में इसे राइड करते हैं तो नाइट में तो और भी अच्छा लगता है ये देखने में, और दिन में भी आप देख सकते हैं मैं राइड कर रहा हूँ, आप विजिबिलिटी का आइडिया लगा पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छे से विजिबल है। और स्पेशली मुझे ये बात भी काफ़ी अच्छा लगता है कि आपको मीटर कंसोल में जो ये गियर्स है इसका जो डिजिट है ये काफ़ी बड़ा शो करता है, तो आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि आप अभी कौन सी गियर में राइड कर रहे हैं, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, आपको गियर चेंज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होता है।
तो ये एक काफ़ी हेल्पफुल चीज़ मुझे लगता है पर्सनली इस बाइक में, जो कि मतलब ज़्यादातर अभी आप देखते हैं तो 150-160 सेगमेंट की बाइक्स में आपको मिसिंग मिलता है, तो ये कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है जो कि मुझे अच्छा लगता है। और तीसरा चीज़ जो हम बात करते हैं फ्रेंड्स वो है इसकी कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़ की। तो अभी जैसे कि आपने देखा मैंने थोड़ा सा एक टर्न लिया था शार्प टर्न, तो वहाँ पे भी जो ये बाइक है वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है। मतलब अगर आपको कॉर्नरिंग वगैरह करना पड़ रहा है, जैसे कि कभी अचानक से शार्प टर्न आता है, तो इसमें जो रेयर का जो रेडियल टायर कंपनी प्रोवाइड की है आपको, 140 सेक्शन का आपको कंपनी टायर देती है, जो कि काफ़ी अच्छे से आपको एक ब्रेक बाइट, मतलब काफ़ी अच्छे से आपको एक ग्रिप भी प्रोवाइड करता है और ब्रेक बाइट भी प्रोवाइड करता है। अगर आप जैसे कॉर्नरिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई मतलब एक होता है ना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता है, आप काफ़ी कंफर्टेबली इसमें कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो सस्पेंशन है वो भी स्टिफ साइड पर सेट किया गया है, तो अगर आप कॉर्नरिंग करते हैं तो आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है, टायर वगैरह स्किट नहीं करता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको वहाँ पे आएगा जहाँ पे फ्रेंड्स आपको जब मतलब आप सिटी में राइड कर रहे हो और आपको पॉट होल्स वगैरह ज़्यादा मिल जाता है, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत देखने को मिल सकता है, जो कि पर्सनली मुझे भी लगता है कभी कभी कि सिटी कम्यूटिंग में जो पॉट होल्स आता है वहाँ पे ये थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है, तो आप उसे ध्यान दे सकते हैं। थोड़ा सा सस्पेंशन जो है वो स्टिफ सेट किया गया है, बाकी फ्रेंड्स इसकी जो कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट का, तो वो रहने वाला है फ्रेंड्स इसका क्लच। इसका क्लच काफ़ी लाइट है, जो कि आपको सिटी कम्यूटिंग में काफ़ी हेल्प करता है। इसमें कंपनी आपको स्लीपर क्लच प्रोवाइड करती है, तो स्लीपर क्लच के रहने से बेनिफिट ये होता है कि आप इजीली मतलब एकदम आप गियर्स को डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैं एक गियर पर भी अगर आ जाता हूँ अभी, तो आप देख सकते हैं बाइक में जो है वो काफ़ी कंफर्टेबली, और आप देख सकते हैं एकदम इजीली गियर्स जो है वो चेंज होता है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस बाइक का। तो वहाँ पे भी ये जो बाइक है वो बाजी मार लेता है, इसका क्लच भी काफ़ी लाइट है, तो कोई इशू आपको नहीं मिलेगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ का, तो वो है फ्रेंड्स इसका टर्निंग रेडियस। अगर आप इसके टर्निंग रेडियस को देखते हैं तो वो भी आपको काफ़ी कम मिल जाता है। मैं एक बार अभी आपको मोड़ के दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं एकदम कम जगह में ही जो बाइक है वो हमारी मुड़ गई है, तो टर्निंग रेडियस भी आपको काफ़ी कम मिल जाता है इस बाइक का, तो वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप सिटी में राइड कर रहे हैं उस टाइम पर। और नेक्स्ट जो मुझे थिंग इसका अच्छा लगता है वो है इसका VVA। अगर आप 7000 RPM जैसे ही क्रॉस करते हैं उसके बाद फ्रेंड्स इसका जो VVA है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है, और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो जाता है कि VVA एक्टिवेटेड। तो VVA एक्टिवेट होने से बेनिफिट ये मिल जाता है आपको कि आप काफ़ी ईजिली जो है वो पावर आपका बढ़ जाता है और काफ़ी अच्छे से आप राइड कर सकते हैं, टॉप एंड आपको काफ़ी अच्छा ये डिलीवर कर देता है, और राइडिंग में भी उस टाइम पे काफ़ी मज़ा आता है जब VVA एक्टिवेट हो जाता है। तो वो भी एक काफ़ी अच्छा बात है, जिसमें कि दो एक्स्ट्रा वाल्व जो है इस बाइक की खुल जाती है, क्योंकि इसमें कंपनी आपको 4 वाल्व इंजन प्रोवाइड करती है, और ज़्यादातर जो बाइक्स होती है इस सेगमेंट की वो आपको फ्रेंड्स 2 वाल्व इंजन ही प्रोवाइड करती है, बट इसमें आपको 4 वाल्व इंजन मिलता है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा एक बात हो जाता है। और अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ का, तो वो है फ्रेंड्स इसका लुक्स। अगर अभी आप देखते हैं तो इसका जो लुक्स है वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, पर्सनली मुझे इसका जो लुक्स है वो काफ़ी पसंद है। अगर आप इस सेगमेंट में कोई सी भी बाइक अगर आप परचेस करने के लिए जा रहे हैं तो आप एक बार इसका लुक्स को देख सकते हैं, इसका जो लुक्स है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है जिस प्राइसिंग में ये आ रहा है। काफ़ी लोगों का बजट नहीं होता है कि वो KTM ले सके, या फिर इसका जो पर्सनली जो फ्रंट का लुक है, जो मॉन्स्टर वाला लुक कंपनी ने इसमें दे रखा है, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो काफ़ी लोग रोड प्रेजेंस के लिए और स्पेशली कॉलेज गोइंग या अपने जितने भी भाई लोग हैं वो लोग मतलब ज़्यादातर लुक्स के लिए भी बाइक परचेस करते हैं, तो वहाँ पर भी ये काफ़ी खरा उतरता है। तो लुक्स के लिए भी अगर आप लेने का सोच रहे थे तो आप इसे ले सकते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें प्लस पॉइंट्स जितने भी थे राइडिंग के टाइम पर वो मैंने आपको सभी बता दिया है। और नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात कर लेते हैं इसके गियर रेशियोज़ की, तो इसमें कंपनी आपको 6 गियर प्रोवाइड करती है, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है। अगर आप टॉप एंड में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो आप इससे मतलब आप लेकर जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा आप ये 6 गियर में आपको परफॉर्मेंस डिलीवर कर देगा। और अगर हम बात कर लेते हैं माइलेज की सिटी में, तो सिटी में फ्रेंड्स ये जो बाइक है ये आपको लगभग में इजीली 40+ का माइलेज ऑफर कर देगी। और अगर बात करते हैं हाईवेज़ पर, तो हाईवेज़ पर सी ए फ्रेंड आपको 45+ का भी माइलेज ऑफर कर देती है। अगर आप अच्छे से राइड करते हैं, टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा आपको माइलेज डिलीवर कर देता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं, माइलेज को भी लेकर आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी अच्छा ये माइलेज आपको डिलीवर कर देगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं प्लस पॉइंट्स की, तो काफ़ी इसमें आपको पॉजिटिव्स देखने को मिल जाता है।
तो अगर कोई भी फ्रेंड्स इस बाइक को परचेस करने का सोच रहे थे तो वो इन सब बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि सिटी कम्यूटिंग में भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है अपने सेगमेंट में। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके ये भी पूछा कि सिटी कम्यूटिंग के लिए मैं बाइक लेना चाह रहा हूँ कॉलेज वगैरह जाने के लिए, ऑफिस वगैरह जाने के लिए, तो कोई इशू होगा इस बाइक में या नहीं। तो कोई भी आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी अच्छी बाइक है। और एक बार मैं आपको उतर के अभी लुक्स दिखा देता हूँ। बाइक जो है वो थोड़ी गंदी हो गई है, बट अब लुक्स देख लीजिए, लुक्स से आपको कुछ आइडिया हो पाए। अभी तो काफ़ी गंदी है बाइक, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है अपने सेगमेंट का। और इसका जो फ्रंट लुक है जैसे कि आप देख रहे हैं वो काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए फ्रेंड्स मैं इसके लुक्स की आपको बात बोला था कि लुक्स पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने फ्रेंड स्लाइडर इंस्टॉल करवा लिया है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही अभी हमारी बाइक जो है वो गिरी थी तो काफ़ी डैमेज आया था और पैर में भी थोड़ा चोट लग गया था पापा का, तो इसीलिए मैंने फ्रेंड स्लाइडर जो है वो इंस्टॉल करवा लिया, आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, अगर आप ले रहे हैं तो सबसे पहला अगर कुछ काम करिएगा तो फ्रेंड स्लाइडर जरूर इंस्टॉल करवा लीजिएगा। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपकी कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।